नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गुड फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पाउडर के बारे में जिससे आप बकरे बकरियों की कई बीमारियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा बकरी पालकों के सामने बकरे बकरियों में सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि बकरा बकरी खाना पीना कम खा रहा है, वो गुमसुम खड़ा रहता है, ऐसा लगता है जैसे बीमार हो, पर जब हम उसका टेम्परेचर लेते हैं थर्मामीटर से तो बीमार भी नहीं होता है। वैसे में हम क्या करें, बकरा बकरी को अंडाइजेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसको बार बार गैस बन रही है, उसको ब्लॉटिंग हो रही है, मतलब उसके अलावा उसको डायरिया हो रहा है, दस्त लग जा रहे हैं अगर ज़्यादा खा ले रहा है तो ऐसे में हम टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, कई तरह के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बकरा बकरी में अगर ज़्यादा बीमारी आ जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाए या किसी तरह का कोई वायरस आ जाए, तो वैसे में हम कई तरह के एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं जिसकी वजह से बकरा बकरी स्ट्रेस में भी रहता है, तनाव में रहता है, तो उस तनाव को दूर करने के लिए भी इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा जब आप बकरा बकरी कहीं से खरीद कर लाते हैं तो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जब उनका एकदम खाना पीना चेंज होता है तो बकरा बकरी ज़्यादा खा लेता है या कम खाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा उसे बीमारियाँ पकड़ लेती है, उसका इम्यूनिटी लो हो जाता है, ऐसे में कई तरह की बीमारियाँ होने लगती हैं जिसकी वजह से बकरी पालक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे में भी इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस पाउडर के बारे में बात करने वाला हूँ वो है बकरा बकरी के डाइजेशन को सही रखने वाला और कई तरह की बीमारियों को ठीक करने वाला। तो जिस पाउडर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है लेटिफर अल्ट्रा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, काफ़ी समय से इस पाउडर के बारे में इंक्वायरीज आ रही थी कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो वही हमने बकरी पालकों की डिमांड को देखते हुए आज का वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें हम आपको लेटिफर अल्ट्रा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इस पाउडर का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, और जैसा मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मैं खुद भी एक बकरी पालक हूं, तो बकरा बकरियों में जो समस्याएं होती है, जो बीमारियां होती हैं, उन सभी को बहुत अच्छे से जानता हूं और उनका कैसे इलाज करना है वो भी जानता हूं। तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको अपने फार्म का खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा। अगर बाहर से डॉक्टर बुलाएंगे तो वो आके डायरेक्टली इंजेक्शन लगाएंगे और पैसे ले जाएंगे, जिससे कि बकरा बकरी तनाव में भी रहता है और बहुत कम बकरा बकरी ठीक हो पाते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि हम ज़्यादातर देसी इलाज बताते हैं, पर ये जो पाउडर मैं आपको बता रहा हूँ ये भी कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं देसी जिससे मिलकर बना हुआ है, जिसका कि रिजल्ट बहुत शानदार है। हमारे कई बकरी पालक हैं जो हमारे चैनल से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो लंबे समय से इस पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे बकरी पालक हैं जो इस पाउडर को जानते भी नहीं हैं, तो उनको इस पाउडर के बारे में जानना चाहिए, इसका कि रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा अगर आपकी बकरी में दूध की कमी आ रही है, जैसे आपने देखा कि बकरी ने पहली बार बच्चा दिया तो दूध ठीक था, दूसरी बार दिया तो दूध कम हो गया, तीसरी बार दिया तो दूध और कम हो गया, तो ऐसे में भी आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं बकरियों के थन में, जो अडर होता है उसके अंदर होते हैं, जिसमें कि थनेला रोग सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा बकरियों के थन से खून आना, पानी आना, ये समस्याएँ होती हैं, तो ऐसे में भी आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कई तरह की बीमारियों में इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी तरह की बीमारी है बकरी में, लूज मोशन हुआ है, बुखार है, तो हम बुखार के लिए टेबलेट देते हैं, लूज मोशन के लिए अलग देते हैं, तो ऐसे में आपको सिंगल पाउडर इस्तेमाल करना है। लंबे समय से अगर चल रहे हैं हैवी डायरिया, हैवी दस्त को भी बहुत इजी वे में ये पाउडर जो है ठीक कर देता है, और इसका रिजल्ट है बहुत ही पॉजिटिव है। आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पाउडर को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप सिंपल नॉर्मल पानी में 5 ग्राम पाउडर से लेकर 10 ग्राम तक, एक बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अगर बकरा बकरी आपका 40 से 50 किलो का है तो 5 ग्राम लें, 50 किलो से ऊपर का है तो 8 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब भी इस पाउडर का आप यूज़ करेंगे आपके बकरा बकरी में बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा बकरे बकरियों में आज के समय में एक ऐसी समस्या देखी जा रही है जिससे कि पॉइजनिंग का नाम दिया गया है। बकरे बकरियों में फूड पॉइजनिंग होना, पेट में पानी भर जाना, ये समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसके होने के बहुत ज़्यादा कारण हैं, जैसे कि बकरा बकरी कभी अखाद्य चीज़ें खा लें, जैसे पन्नी कपड़ा खा लें, या वो दाना मिश्रण ज़्यादा खा लें, या दाना मिश्रण में फफूंद लगी हो, मतलब ख़राब हो चुका हो, आपने ध्यान नहीं दिया, वो खा लें, या फिर आप वो साबुत अनाज खिला दें कोई, तो बकरी पालक ऐसे हैं जो साबुत मक्का खिलाते हैं, साबुत गेहूं खिलाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ऐसे में पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाता है, शरीर में पानी भर जाता है पेट में, जिसकी वजह से बकरा बकरी बहुत ज़्यादा मर जाता है, क्योंकि बकरी पालक समझ ही नहीं पाते हैं कि उसे पॉइजन किस वजह से हुआ है, या पॉइजन हुआ है या पेट में पानी भरा है, जिसकी वजह से बकरा बकरी समय से पहले मर जाते हैं। तो ऐसे में आपको कभी भी इस तरह की समस्या देखने को मिले तो आप इस पाउडर का इस्तेमाल करें, बहुत ही इजी वे में ये अपने बकरा बकरी को ठीक कर देगा। आपको जैसे मैंने बताया कि 5 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं 50 किलो तक के जानवर में, इसके बाद अगर 50 किलो से ऊपर है तो आप 8 ग्राम से लेकर 10 ग्राम भी कर सकते हैं।
इसको इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीका है, आप सीरिंज के माध्यम से दे रहे हैं या बॉटल के माध्यम से दे रहे हैं, तो जब भी आपको पिलाना है उसी समय आप इसको घुलाएं, मतलब पानी में मिक्स करें और तुरंत इसे पिला दें। आप देखेंगे रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। आपको ना ही बकरा बकरी को इंजेक्शन लगाने हैं, ना ही टेबलेट देनी है। इस पाउडर को देने से बकरा बकरी के पेट में किसी भी तरह की समस्या होगी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर रूमन से रिलेटेड कोई समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर उसके पाचक जीवाणु जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं अगर वो भी कम हो गए हैं तो उनको भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इस पाउडर को एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।